Welcome to all my viewers and today I'm back with the topic complementary gene. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेक्शन ऑफ जीन. इंटरेक्शन ऑफ जीन मे बी ऑफ टू टाइप, इंटरजेनिक इंटरेक्शन एंड इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. इंट्राजेनिक इंटरेक्शन यानी जब एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील्स के बीच इंटरेक्शन से कोई फिनोटाइप बनता है, देन इट इज कॉल्ड इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. And the second one is intergenic interaction, in which two different genes interact in such a way that they produce a new phenotypic character or trait. तो आज जो example हम पढ़ रहे हैं complementary gene, ये है एक type का intergenic interaction. Intergenic interaction, two different genes are interacting. Two different genes are involved. That's why it is also called non-allelic interaction. Complementary gene का क्या मतलब है? जैसा कि नाम से लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, एक दूसरे के पूरक है. यानी दो डिफरेंट जीन्स जो अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम पर उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है, और वो इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के इंटरेक्शन से कोई एक फिनोटाइप या कोई एक करेक्टर डेवलप हो रहा है. लेकिन उनमें से अगर एक भी जीन रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है या कह सकते हैं कि एक भी जीन प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस वो फिनोटिपिक ट्रेट या कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता. यानी कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए कम से कम दो जीन्स, दोनों ही जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए. यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है. बिना एक के दूसरे का कोई भी महत्व या कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर टू जीन्स ए एंड बी और वो कोई एक करेक्टर बना रहे हैं, तो जब तक ए और बी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक वो करेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. ना ही ए अकेले उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही बी उसको अकेले प्रोड्यूस कर सकता है. तो वट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर टू पेयर्स ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट लोकाय. यानी अलग अलग क्रोमोसोम पर उनकी लोकेशन या लोकस अलग अलग होगा. विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटिपिक ट्रेट, बट नाइदर ऑफ दैम इज अलोन एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर फिनोटिपिक करेक्टर. यानी कोई भी अकेला जीन उस करेक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. वन थिंग विच आई हैव टू मेंशन हियर, बोथ जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म. क्योंकि ये जो है ये एक टाइप का रिसेसिव म्यूटेशन है, जो भी आगे डिस्कस करते हैं. तो फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर टू नॉन एलीलिक जीन्स विच बोथ आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट. जैसे कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में ये है एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील्स. तो इनकी जो लोकेशन है वो सेम होती है, यानी जो लोकस है वो सेम है. होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं जो इंट्राजेनिक एलील्स होते हैं, या कह सकते हैं एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील्स होते हैं. दे ऑक्यूपाई सेम लोकाई ऑन द क्रोमोसोम. जबकि यहां जो हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ये दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर या तो अलग अलग लोकेशन पर होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी अलग अलग लोकेशन पर या लोकाई पर प्रेजेंट हो सकते हैं, लोकस पर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये देखिए, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है सी एंड पी, दो जीन्स हैं जो लिथायरस ओडोरेटस में फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये दोनों ही जीन्स या तो एक ही क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें है सी एंड पी, या अलग अलग लोकाई पर भी प्रेजेंट, अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट हो सकते. कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फ्लावर कलर इन लिथायरस ओडोरेटस. यानी बेटसन एंड पनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिथायरस ओडोरेटस कॉमनली नोन एज स्वीट पी, और इस प्लांट में इन्होंने देखा था कि जो फ्लावर का कलर है वो होता है पर्पल, जो दो जीन से कंट्रोल होता है कैपिटल सी एंड कैपिटल पी.
यानी दीज टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द फ्लावर दैट इज पर्पल. लेकिन इनमें किसी भी जीन में रिसेसिव म्यूटेशन से जो फ्लावर का कलर है वो चेंज हो गया और वो फ्लावर का कलर हो गया वाइट. आपको मालूम है रिसेसिव म्यूटेशन है तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट. यानी अगर कभी भी पी में रिसेसिव फॉर्म में होगा यानी स्मॉल पी तो फ्लावर बनेंगे वाइट. और अगर सी दोनों ही सी रिसेसिव फॉर्म में आ गए तब भी फ्लावर कलर होगा वाइट. यानी फ्लावर को पर्पल होने के लिए सी और पी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए. यानी इसमें रिसेसिव म्यूटेशन हो रहा है अगर किसी भी जीन में तो फ्लावर का कलर पर्पल से चेंज हो जाता है वाइट. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस रिएक्शन. देयर आर टू डोमिनेंट जीन्स सी एंड पी. दिस इज प्रीकर्सर. प्रीकर्सर इज वाइट. बाय द एक्शन ऑफ दिस सी जीन ईवन एंजाइम इज फॉर्म एंड दिस ईवन एंजाइम कन्वर्ट दिस प्रीकर्सर इंटू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वाइट. बट दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट. अगेन दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड कन्वर्ट्स इंटू द एंड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम E2 विच इज द प्रोडक्ट ऑफ जीन पी. यानी दो एंजाइम्स हैं E1 एंजाइम एंड E2 एंजाइम. E1 इज द प्रोडक्ट ऑफ सी जीन एंड E2 इज द प्रोडक्ट ऑफ पी जीन. और जब दोनों एंजाइम कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं तो ये प्रीकर्सर इंटरमीडिएट से होते हुए पहुंचता है एंड प्रोडक्ट में और फ्लावर का कलर हो जाता है पर्पल. नाउ सपोज ओनली सी जीन इज प्रेजेंट. Then what will happen? In the presence of C gene, only E1 enzyme will be formed and this intermediate compound will be formed. And the color of flower will be white. No purple flower will be obtained. Now suppose only P gene is present, C is in recessive form. Then what will happen? In the presence of this P, only intermediate compound can convert into end product. लेकिन इस intermediate को बनने के लिए किसकी जरूरत है? C. तो जब C और P दोनों present होंगे dominant form में तभी end product बन पाएगा जिससे flower का color होगा purple. इसीलिए इनको कहा जाता है complementary. Both C and P genes are complementary to each other. अकेले कोई भी पर्पल फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. सी अकेले प्रेजेंट होगा व्हाइट फ्लावर, पी अकेले प्रेजेंट होगा व्हाइट फ्लावर. लेकिन सी और पी दोनों प्रेजेंट होंगे तब फ्लावर का कलर होगा पर्पल. और इसी को अब हम एक्सप्लेन करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा. डाई हाइब्रिड रेशियो देखेंगे कि जो 9-3-3-1 का जो रेशियो है वो किस तरह से मॉडिफाई होता है. इन दिस क्रॉस, इन दिस डायहाइब्रिड क्रॉस, प्योर ब्रीडिंग व्हाइट वैरायटी ऑफ लिथायरस ओडोरेटस वर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रीडिंग व्हाइट वैरायटी ऑफ दिस वन. हियर सी जीन इज प्रेजेंट बट पी इज इन रिसेसिव फॉर्म. That's why flowers are white. Here also P is present but C is in recessive form. That's why flowers are white. So parents are pure breeding white. जब इनका cross कराया गया, these are gametes, capital C small p, small c capital p. तो F1 generation में जो product मिले या plants मिले उनका color parents के बिल्कुल डिफरेंट था. पेरेंट्स वर व्हाइट बट इन द F1 हाइब्रिड फ्लावर्स वर पर्पल बिकॉज बोथ द सी एंड पी जीन्स आर प्रेजेंट हियर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल कलर. तो
तो दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है सी और पी डोमिनेंट फॉर्म में, तो कम से कम एक एक सी और एक पी प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके फ्लावर का कलर आता है पर्पल। तो F1 हाइब्रिड के सारे जो फ्लावर्स थे, प्लांट के फ्लावर्स थे, वो थे पर्पल। जब इन F1 हाइब्रिड्स की सेल्फिंग की गई टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, तब जो रिजल्ट्स मिले, तो इसको हम चेकर बोर्ड ना बनाकर एक और मेथड है सिंपलेस्ट, वो यूज कर सकते हैं। ये डायहाइब्रिड को हमने मान लिया है कि दिस डायहाइब्रिड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड, वन मोनोहाइब्रिड एंड दिस इज अनदर मोनोहाइब्रिड, एंड द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड इज 3:1, दिस इज सी एंड सी, पी एंड पी, एंड द रेशियो इज 3:1, 3:1, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सी एंड पी 3:9, सी एंड पी 3, सी एंड पी 3, सी एंड पी 1, तो रेशियो हुआ 9:3:1, 9:3:1। फ्लावर का कलर देखेंगे, यहां सी और पी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है तो फ्लावर होंगे पर्पल। सेकेंड केस में स्मॉल सी है लेकिन कैपिटल पी है, तो फ्लावर का कलर होगा व्हाइट। तीसरे केस में कैपिटल सी है लेकिन पी स्मॉल है, तो भी फ्लावर का कलर होगा व्हाइट। और फोर्थ केस में दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है तो फ्लावर का कलर होगा व्हाइट। तो इनको ऐड कर दिया जाए तो दिस इज 9:3:3:1, तो रेशियो हो गया 9:3:3:1, 9:7। तो जो डायहाइब्रिड रेशियो है वो मॉडिफाई हो गया 9:7 में, 9 पर्पल एंड 7 व्हाइट फ्लावर। तो वो तभी प्रोड्यूस होंगे पर्पल जबकि कम से कम एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी प्रेजेंट हो, इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो फ्लावर का कलर व्हाइट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और सेम एग्जांपल मैन में भी, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, डीप म्यूटिज्म। डीप म्यूटिज्म में जो स्पीच है और हियरिंग यानी बोलना और सुनना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन ए और बी से कंट्रोल होते हैं। तो जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है, और जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि दो जीन से ए और बी दोनों ही स्पीच और हियरिंग को कंट्रोल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।